नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं उप संपादक ऑल इंडिया सुनील चौरसिया की खास रिपोर्ट। डिप्लोमा फार्मासिस्ट 20 सूत्री मांगों की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु आज दिनांक 1 एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 5 दिसंबर को भी प्रदेश भर के चिकित्सालयों में 7वें दिन 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया गया। आज बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में कार्य बहिष्कार के दौरान प्रदर्शन सभा में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार का 7वां दिन है। पूरे प्रदेश में पिछले 7 दिनों से शहरी व ग्रामीण चिकित्सालय में 2 घंटे मरीजों को औषधि वितरित नहीं हो पा रही और जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद महानिदेशालय व द्वारा फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में महानिदेशक के पत्र के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि महानिदेशक महोदय को विभाग का मुखिया होने के नाते फार्मासिस्ट संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के प्रयास करने चाहिए थे, परंतु उनके द्वारा फार्मासिस्टों को कार्रवाई करने का पत्र जारी कर दिया जो कि नियोजित नहीं है। इससे प्रदेश भर में फार्मासिस्टों में और अधिक रोष पैदा हो गया है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील की कि उनके स्तर से हस्तक्षेप कर अधिकारियों को फार्मासिस्टों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश देने चाहिए जिससे जनता को हो रही असुविधा समाप्त हो सके। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री उमेश मिश्रा व प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय पांडे ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों से शासन एवं महानिदेशालय स्तर पर संवादहीनता के कारण आज एक आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी भी उच्च अधिकारियों द्वारा संवादहीनता खत्म कर वार्ता के माध्यम से सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाते हैं, तो आगामी 17 दिसंबर को प्रदेश भर में चिकित्सालय में कार्यरत फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, प्रभारी अधिकारी, फार्मेसी पूर्णकालिक कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, जिस कारण जनता को होने वाली असुविधा की पूर्ण जिम्मेदारी शासन व महानिदेशालय की होगी। इस मौके पर लखनऊ जनपद शाखा के जिला मंत्री अखिल सिंह ने कहा कि फार्मासिस्टों की पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद भी शासन स्तर पर संयुक्त निदेशक फार्मेसी व विशेष कार्य अधिकारी फार्मेसी के पदों पर पिछले 5 वर्षों से पदोन्नति नहीं की गई है एवं चीफ फार्मासिस्ट के लगभग 400 रिक्त पदों पर व प्रभारी अधिकारी के 60 रिक्त पदों पर महानिदेशालय स्तर से पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जा रही है एवं फार्मासिस्टों की तमाम छोटी छोटी समस्याएं महानिदेशालय स्तर पर व शासन स्तर पर लंबित चल रही हैं। इस मौके पर श्री R&D द्विवेदी व श्री SN त्रिपाठी ने कहा कि आज फार्मासिस्टों के ऊपर अपने दैनिक कार्यों के साथ चिकित्सालय की संपूर्ण जिम्मेदारी, वैक्सीनेशन ड्यूटी, घर जाकर वैक्सीनेशन, RRT टीम में ड्यूटी, COVID-19 जांच, कोविड चिकित्सालय में ड्यूटी सहित चिकित्सालय के तमाम कार्यों को फार्मासिस्ट संवर्ग संबंधित कर रहा है। चिकित्सक या अनुपस्थित में चिकित्सक का कार्य भी कर रहा है। रविवार में स्वास्थ्य मेला में ड्यूटी होने के कारण स्थित है कि सप्ताह में एक दिन का भी अवकाश फार्मासिस्टों को नहीं मिलता है, जिस कारण वे मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में विभागीय अधिकारी भी उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस कारण फार्मासिस्टों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से श्री KK सचान, सुभाष श्रीवास्तव, मनमोहन मिश्रा, सुशील त्रिपाठी श्रीवास्तव, श्रीमती संगीता, संजय कनौजी और RP सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। जोर जुलम के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा, जोर जुलम के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा, जोर जुलम के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, ये प्रशासन बीजेपी प्रशासन जिंदाबाद, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब